अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, काफी अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीडियो क्लिप के बारे में जिसे देखकर इंसान को शौक लग जाता है। चार लड़कियों ने मिलकर एक लड़के के साथ गलत किया है। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ गलत कर सकती है? लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप भी प्ले करूंगा, लेकिन वीडियो क्लिप प्ले करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि कश्मीर के बहुत सारी बहन भाई इस चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों का कश्मीरी ब्रदर हूं और मैं इस चैनल पर कश्मीर रिलेटेड और पूरी दुनिया रिलेटेड हर कोई अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। चार लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का रेप किया है। अब खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि चार लड़कियां जिन्होंने ड्रग किया हुआ था, उन चारों लड़कियों ने मिलकर एक 20 साल का लड़के का जो है वो रेप किया है। खबर क्या है पूरी विस्तार के साथ बताना चाहूंगा। पंजाब के जलंधर में एक लड़का रात को देर गए रोड पे सफर तय कर रहा था, उसी दौरान में चार लड़कियां गाड़ी में आती हैं, व्हाइट कलर की कार में आती हैं और उसको एक पेज देती हैं, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था और उससे पूछती हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उस लड़के ने जो है वो बताया कि जनाब ये रास्ता इस साइड जा रहा है, ये डायरेक्शन दिखाई। तो उन चारों लड़कियों ने क्या काम किया कि उस लड़के की आंख में स्प्रे डाल दी। स्प्रे डालने की वजह से लड़के को जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम से वो बेहोश हो गया, उसकी आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, अंधेरापन आंखों के आगे छा गया। तो लड़कियों ने फटाफट उसे गाड़ी में डाला और ले गई और चारों लड़कियों ने मिलकर उसके हाथ बांधे, पांव बांधे, फिर उसके साथ रेप किया लड़के के साथ। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसने ये पाया कि उसके हाथ पांव बंद हैं, उसके साथ रेप हुआ है। जैसे कि आप सभी दोस्त ने वीडियो क्लिप देख लिया, तो चलो दोस्तों आप लोग इस रिलेटेड क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।